हेलो एवरीवन, मैं रोहन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नर्स फेलो पे। इंग्लिश ग्रामर का सीरीज चल रहा है, क्लास नंबर 71 है। अभी हम लोग वॉइस चैप्टर देख रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाके बाकी वीडियोस देख लीजिएगा। स्क्रीन शेयर करता हूँ, देखिए। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उससे जुड़ जाइएगा। रात में 10 बजे क्लास चलती है जूम ऐप पे, लिंक वहीं से मिल जाएगा आपको। उस ग्रुप से आप देख सकते हैं। चलिए स्क्रीन, अच्छा अभी दिखेगा आप लोग। हाँ दिख रहा है। जी भैया, हम लोग थे कहाँ पे? यहाँ पे नीचे थे। इंफिनिटी, नीचे बताया ये तो हो बायोम गया है। के बाद ये 2+V1 को क्या कहा इसने कि पैसिव वॉइस में 2V+V3 आपने किया अभी? जैसे क्या किया कि यू टू आई बी एम टू प्लस डू इट, उसके आई एम टू डू इट था तो इट इज टू बी डन बाय मी। ठीक है, इस तरीके से। पर ये हमेशा ऐसा नहीं होगा, यानी 2V+V3 हमेशा नहीं करना है। अगर 2+V1 को करने वाले सब्जेक्ट का उल्लेख 2+V1 से पहले हो चुका है, बात समझिए कि सेंटेंस में अगर 2+ इन्फिनिटिव वर्ब या कर रहे इन्फिनिटिव रहे 2+V1, और जो वो काम कर रहा है उसका उल्लेख पहले हो चुका हो इसके सेंटेंस में आने से, 2+V1 से पहले अगर ये पता चल जाए कि कौन इसको कर रहा है तो क्या करना है, तो 2+V1 को 2V+V3 में परिवर्तित नहीं करेंगे। कौन सा सीन है वैसा देखिए। चलो। जैसे द टीचर गेव मी अ बुक टू रीड, टीचर ने मुझे पढ़ने के लिए एक पुस्तक दिया, शिक्षक ने मुझे पढ़ने के लिए मुझे एक पुस्तक दी। ठीक है, अब यहां पे समझिए 2+V1 तो यहां है ना। अब इससे पहले पता है कि इस काम किसको करना है, नहीं इस बुक को पढ़ने का काम किसको है, मुझे है, तो इस चीज का जिक्र पहले हो चुका है ना, 2+V1 से दे चुका है, तो इस सेंस में हम 2V+V3 का यूज नहीं करेंगे ये रूल का। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे, गिव मी ऑब्जेक्ट, यहां पे मैं हूं तो शुरुआत यहां इसी से होगा। ठीक है, आई, अब गेव है भाई, सिंपल पास्ट है तो इसके लिए वॉज का प्रयोग करेंगे आई के साथ, तो आई वॉज, अब V3 गेव का, गिव गेव गिवेन, तो आई वॉज गिवेन अ बुक टू रीड, इस पार्ट को हम रखेंगे, बाय मुझे एक माय किताब टीचर पढ़ने के लिए दिया गया, किसके द्वारा, तो बाय माय टीचर। टीचर के किसी टीचर को दिक्कत इसमें भैया, मुझे दिक्कत है भैया, मुझे एक क्या? बार दोबारा से समझा ये दीजिए। नहीं आया भैया, हाँ 2B वाला एक बार फिर से समझाए भैया। देखिए, 2+V1 के साथ आपने पढ़ा अभी यहाँ पे कि इसको क्या करना है, 2+V1 रहेगा, इसको 2V+V3 कर दीजिए। ठीक है, बिल्कुल भैया, जैसे आई एम टू डू इट तो क्या हो जाएगा, इट इज टू बी डन बाय मी। जैसे था यू आर टू राइट इट इन इंक, ठीक है, इट इज टू बी रिटन इन इंक। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि इस तरह का यूज आप हमेशा नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे, जब जो ये 2+V1 जहां पे सेंटेंस में लिखा रहे, ठीक है, उससे पहले उसको करने वाला अगर दे दिया जाए, ठीक है, कि ये जो काम है 2+V1 वाला, इसका सब्जेक्ट का उल्लेख अगर पहले है ना, तो इसको हम इस रूल से चेंज नहीं करेंगे, इसको हम इस तरीके से चेंज करेंगे। जैसे द टीचर गेव मी अ बुक टू रीड, ठीक है, इसका इसका क्या है कि शिक्षक ने मुझे पढ़ने के लिए एक पुस्तक दी। ठीक है, अब यहां पे पढ़ने वाला किताब जो है, किताब को कौन पढ़ेगा? ठीक है, तो ये यहां पे उल्लेख किया हुआ है, मैं तो यहां पे पढ़ूंगा। इसलिए हम इसको क्या करेंगे, आई वॉज गिवेन ए बुक, टीचर ने मुझे एक किताब दी है, तो मुझे एक किताब दिया गया है ना पढ़ने के लिए, किसके द्वारा, बाय माय टीचर, तो इसको ऐसे करेंगे, आई वॉज गिवन अ बुक, द टीचर गेव मी अ बुक, यहां तक देखिए पहले, द टीचर गेव मी अ बुक, तो क्या हो जाएगा, मी से शुरुआत करेंगे है ना, आई वॉज गिवन अ बुक, ठीक है, टू रीड, मुझे किताब क्यों दिया गया, पढ़ने के लिए, किसके द्वारा, फिर बाय माय टीचर। टीचर ठीक है, वो आपको सेंटेंस देखने से खुद पता चल जाएगा।
क्लियर यहाँ है? वर्ब से पता चल रहा है, गेव है ना, तो वॉज दिया है ना, पढ़ने का काम मेरे द्वारा किया जाएगा, ये चीज दिया है इसमें। ठीक है, इस हिसाब से आप इसको चेंज करेंगे। ऐसे ऑप्शन जब सामने रहेंगे, क्वेश्चन आप करेंगे, तो इससे ज्यादा और क्लियर हो जाएगा। अभी तो रूल के साथ एक दो एग्जाम्पल दिया है, जब इस चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीजें आपके और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़े सूरज जी। ठीक है सूरज जी, जी भैया, जी ठीक भैया, है, और भी क्वेश्चंस आप देखेंगे क्लियर हो जाएगा। देखिए आगे, हैव हैज हैड प्लस टू प्लस वी वन, इस तरह का सीन होगा तो क्या करेंगे? हैव और हैज किस में लगाते हैं हम लोग? परफेक्ट परफेक्ट वाले में। ठीक परफेक्ट है, में और उसी का पास्ट फॉर्म क्या हो जाता हेड हेड है? हो हेड जाता है, हो जाता चाहे हैव हो चाहे हैज हो, पास्ट में दोनों हैड में ही बदलेगा। ठीक है, और टू प्लस वी वन, जैसे देखिए एक्टिव में क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस हैड, या चाहे हैड हो कोई भी हो, टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट हो, तो इसको कैसे चेंज करेंगे? पहले ऑब्जेक्ट को रखेंगे, फिर जो भी ठीक आपका हैज हैव हैड है वो रखेंगे, टू बी प्लस वी थ्री है प्लस बाई और सब्जेक्ट होगा। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, आई हैव टू फिनिश दिस वर्क, दिस वर्क इसको क्या होगा? कर पहले सेंटेंस चेंज करिए, ट्रांसलेट करिए, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? मुझे काम पूरा करना आई होगा। हैव फिनिश, मैंने अपना काम मैंने अपना फिनिश कर काम समाप्त समाप्त कर लिया है। अच्छा, लिया है, होगा कहाँ से काम आ गया भाई? पूरा कर कर रहा लिया हूँ, है, करना होगा होगा, तो होगा ही नहीं, फ्यूचर में नहीं है। आई हैव टू डू दिस वर्क, आई हैव टू फिनिश दिस पड़ता वर्क, है, मैंने इस काम को कर लिया, मुझे यह काम पूरा करना पड़ता है। पड़ता है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, काम मुझे यह काम पूरा करना है। ठीक है, मुझे यह काम पूरा करना है। जब कोई एकदम फिक्स डिटरमिन माइंड जो है, इस तरीके से कह सकते हैं, आई हैव टू फिनिश दिस वर्क। दबाव भैया, ये मतलब जोर जबरदस्ती, मतलब कि मुझे ये काम करना ही है, हाँ, मैंडेटरी आई हैव टू फिनिश है, दिस वर्क, एकदम जरूरी मैंने, हाँ मुझे यह काम पूरा करना है। ऑन टाइम भी कह सकते हैं, इसमें अगर आप कंपल्सन एंटर कर दीजिए, कंपल्सन आई हैव टू फिनिश दिस बात वर्क ऑन देता टाइम, है, करना आई हैव टू फिनिश दिस वर्क इन अ वीक, बोले ही ना, करना मुझे है, एक हफ्ते में इस काम को पूरा करना है, नहीं कहेंगे इसके लिए आई हैव टू फिनिश दिस वर्क। चलिए, अब इसमें क्या है, आई आपका सब्जेक्ट है, हैव, ठीक है, आपका ये हो गया वर्ब। ठीक है, अरे मेन वर्ब तो यहाँ पे ये है, फिनिश है, हेल्पिंग वर्ब हो गया, टू है प्लस फिनिश जो आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और दिस वर्क यहाँ पे क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदला है, यही वाला हो गया। हैव अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सबसे पहले रखेंगे, यानी कि जो इसका लास्ट में ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पे सबसे पहले, और जो ये सब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस के सबसे अंत में चला जाता है। तो देखिए, ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले रखिए, दिस वर्क। अब वर्क के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग हैव लगाया है, तो वर्क के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? कार हैज लग जाएगा, हैज लगेगा, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। सिंगुलर ठीक नंबर है, है, दिस वर्क हैज, अब यहाँ पे क्या है, टू को लगाएंगे, टू बी टू है, बी, टू बी प्लस वी थ्री। ठीक है, फिनिश्ड टू बी, अच्छा फिनिश है यहाँ पे, फिनिश का वर्ब का फॉर्म क्या होगा? फिनिश्ड, फिनिश्ड 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 फिनिश, फिनिश्ड फिनिश्ड ठीक है, दिस वर्क हैज टू बी फिनिश्ड। अब बाई लगाएंगे और आई का क्या हो जाएगा? मी मी हो जाएगा। ठीक है, ये मी जो है वो किस तरह का प्रोनाउन है? पॉजिटिव, मी हमारा है, आई बी पॉजिटिव पॉजिटिव एडजेक्टिव, नाउन है या एडजेक्टिव है? नहीं पॉजिटिव एडजेक्टिव है या पॉजिटिव प्रोनाउन है? पॉजिटिव एडजेक्टिव, नहीं, माई आई पढ़ना मी होगा अब मी माई, माइंड जो होगा पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा, पॉजिटिव प्रोनाउन, आई मी माइंड अवर, मी मैंने पूछा क्या है? क्या चीज फिर से, मी हाँ, हमारा ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट है, यहाँ नहीं, मतलब प्रोनाउन, ऐसे क्या है, पॉजिटिव नाउन एडजेक्टिव है या पॉजिटिव प्रोनाउन है ये? मी एडजेक्टिव प्रोनाउन, है भैया,
ना ही पोजेसिव, हाँ सर मेरे हिसाब से तो ना ही पोजेसिव एडजेक्टिव है ना ही पोजेसिव प्रोनाउन है। माइन होता है पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव प्रोनाउन आवर, आवर्स। माइन आपका प्रोनाउन होगा, नहीं सॉरी पोजेसिव सॉरी प्रोनाउन। सॉरी 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 सॉरी, गलत हो गया गलत हो गया। आई मी माइन वी अस आवर, हाँ पॉजिटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव है, पॉजिटिव नहीं, एडजेक्टिव है। प्रोनाउन है ये, आई मी पॉजिटिव एडजेक्टिव वाला प्रोनाउन नहीं। होता प्रोनाउन है ना, मी ये वाले पे माइन चलना जो होता है पड़ेगा ना क्या आपको? पॉजिटिव प्रोनाउन होता है, और मी वो हाँ, आपको प्रोनाउन वाले पॉजिटिव पे चलना एडजेक्टिव पड़ेगा है। क्या? प्रोनाउन है जैसे एक बार पुनः। आई मी माइन, हाँ, तो माइन जो होगा पॉजिटिव प्रोनाउन होगा। माई पॉजिटिव प्रोनाउन। हाँ, मी क्या होगा? एडजेक्टिव हो, देखिए, मैंने प्रोनाउन बुक खोल ही है लिया, पर ये देखिए, ये ऑब्जेक्टिव एक है। सब्जेक्ट होता है एक हाँ, ये ऑब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट होता है। है, हाँ, देखिए ऑब्जेक्टिव है, एडजेक्टिव है ऑब्जेक्टिव भैया। प्रोनाउन। आई जो होता बोलिए है बताइए। सब्जेक्टिव होता है, फिर मी। आपका देखिए पॉजिटिव एडजेक्टिव जो है वो माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ठीक है। और पॉजिटिव प्रोनाउन जो होगा ये माइन, योर्स, आवर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ठीक है। ये है, सब्जेक्टिव है लेकिन ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नीचे तो मी। सब्जेक्ट था। अच्छा अच्छा, यहाँ पे ये सब्जेक्ट के हाँ लिए यूज हुआ, ठीक है। ये सब्जेक्ट जो आई था उसी का यहाँ पे आया। चलिए, तो दिस वर्क हैज टू बी फिनिश्ड बाय मी, मेरे ठीक है। द्वारा यह कार्य समाप्त। हैज टू बी लग गया, इस तरह के सेंटेंस को आप इस तरह बना लेंगे। अगला देखिए, यू हैव टू चूज अ ड्रेस, क्या होगा इसका ट्रांसलेशन करिए। तुम्हें पोशाक चुननी है ना, तो अभी आपने कहा चुननी है, फिर बाकी हर समय ये क्यों कह रहे थे है, तुम्हें पढ़ती है। दोनों का ट्रांसलेशन इसी तरीके से बनता है, ठीक है। टू दोनों का है या पढ़ती है, आप इसी तरीके से करेंगे। यू हैव टू चूज अ ड्रेस, पढ़ती तुम्हें, है या इसे इसे ये भी कहेंगे, तुम्हें, यू हैव टू चूज अ या ड्रेस, तुम्हें पोशाक एक पोशाक चुननी क्या कहते पड़ती है, चुननी है, चुननी पड़ती पढ़ती है या है, ठीक है। यू हैव टू चूज अ ड्रेस। चूज चुननी पड़ती है, ऐसा तो नहीं है। या चुननी है, चुनना, इस तरह से कह सकते हैं, पसंद करना है। चुना यू हैव टू चूज अ ड्रेस, ठीक है। अब यहाँ पे पैसिव क्या हो जाएगा? ड्रेस यहाँ पे है आपका ऑब्जेक्ट, इसको पहले रखेंगे। ऑब्जेक्ट एड्रेस, सब्जेक्ट ड्रेस के होगा, अकॉर्डिंग क्या लगेगा? हैज, हैज लगेगा, एड्रेस हैज टू बी टू बी चूजन, चूज चूज चोज चोज चूजन चूजन चूजन। एड्रेस हैज टू बी चोजन बाय भाई जो यू, का यू ही यू रह जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका बनेगा। ये भैया आगे, मैंने अभी कॉपी खोल के देखा तो मी का था ना, तो उसका पर्सनल प्रोनाउन भी है, ऑब्जेक्टिव केस ही है। मी और अस ऑब्जेक्टिव केस ही होते हैं। आई सब्जेक्ट हो गया, मी हाँ, आई ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव केस होता है, हाँ आई का ऑब्जेक्ट हो मी गया, ऑब्जेक्टिव माई केस हो पॉजिटिव गया, आई एडजेक्टिव, सब्जेक्टिव और केस है, माइंड जो और होगा वी पॉजिटिव सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन, है, और उसका ऑब्जेक्टिव केस अस होगा। अब माइंड जो है वो पॉजिटिव प्रोनाउन हो जाएगा, माइन, आवर्स, हाँ, योर्स, पॉजिटिव हाँ, प्रोनाउन है और पॉजिटिव एडजेक्टिव है माय और माई, अवर। हाँ माई, आवर, ये जो हाँ, आपका अवर, एडजेक्टिव हो योर, जाएगा। हिज, हर, ये पॉजिटिव इट्स, एडजेक्टिव देयर। चलिए, ये समझ में आ गया, ये हैज टू बी वाला। अब है लेट, बिड, हेल्प, मेक, इस तरह के वर्ब को कैसे करते हैं। बिड का मतलब क्या होता है? बोलिए डेटा का सर ना, दबाना, बोली लगाना, बिट, हाँ सर बोली बोली लगाना। लगाना, बिट 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 नहीं, बिट बेट होता है वो तो, वो तो बेट होता है। नहीं, बेट बिड भी बोली बैट लगाना नहीं, ही होता है। सर्त, बैट शर्त होता है, बिट बोली होता है। शर्त सर्त होगा, शर्त सर्त शर्त बोला तो अब इसका क्या मतलब हो जाएगा? शर्त के हिसाब से बिड का कुछ और मतलब, ये शायद बाय बोलने के सेंस में ये क्या आता है क्या? आई बेड हिम लीव द रूम। छोड़ना, आई एम रूम छोड़ा, आई बेड हिम लीव द रूम, देखिए जरा इसका, बिड का, ठीक है। आगे तब तक देखिए, वर्ब है लेट, बिड, हेल्प और मेक का प्रयोग एक्टिव वॉइस में डायरेक्ट इन्फिनिटिव यानी बिना टू के साथ होता है। इन सब में क्या लगता है आपको? टू नहीं लगेगा,
लगता है लेट विद लेट हेल्प तो मेक के साथ और आपको मेक नहीं लगेगा, जैसे सी लेट मी गो, लेट मी गो उसने मुझे जाने दिया, जाने दिया ठीक है, सी लेट मी गो। अच्छा ऐसे कहते हैं ना, लेट मी गो मुझे जाने दो, लेट मी स्पीक मुझे बोलने दो, लेट मी गो लेट मी क्लियर दिस है ना, मुझे स्पष्ट इसे स्पष्ट करने दो, ठीक है, लेट मी हेल्प यू मुझे आपकी मदद करने दो कहते हैं। जी अगला है आई बेड हिम लीव द रूम, इसका क्या मतलब हुआ बताइए। मैंने उसे आज्ञा दी रूम छोड़, अब मुझे रूम मैंने उसे कमरा छोड़ने को कहा। बेड का मतलब कोई बताए। मैंने उसे जाने को रूम से जाने को कहा। I bade him छोड़ने के सेंस में होगा सर। मैंने उसे नहीं, छोड़ने छोड़ने के को सेंस में तो कहा। लीव है ना, लीव। मैंने उसे कमरे से बाहर जाने को कहा, कमरे से बाहर जाने को कहा। ठीक है, मैंने उसे कमरे से कमरे से बाहर बाहर जाने को कहा। अगला दे मस्ट हेल्प मी फिनिश द वर्क। अब यहाँ पे क्या है कि बीड के साथ टू नहीं लगा, लेट के साथ टू नहीं लगा, दे मस्ट हेल्प मी फिनिश द वर्क। अब यहाँ पे ये जो है आपका, अब यहाँ क्या समझिए, मस्ट मतलब इसमें आपका सर दे मस्ट हेल्प मी फिनिश द वर्क, यहाँ पे आप क्या लगाएंगे मेक, एक मिनट, हेल्प के साथ टू का प्रयोग यहाँ पे आप नहीं कर रहे। नहीं करेंगे, जैसे दे मस्ट हेल्प मी फिनिश द वर्क, दे मस्ट हेल्प मी टू फिनिश द वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। आई मेड हिम वॉश ऑल द क्लॉथ्स, आई मेड हिम, आई मेड टू हिम या मेड हिम टू, ऐसा नहीं करें, ठीक है। बिड हेल्प और मेक का प्रयोग पॉजिटिव पैसिव वॉइस में टू के साथ होगा, ये एक्टिव में आप टू के साथ नहीं करेंगे, पैसिव में जो आप इसका बनाएंगे तो टू लगाएंगे। जैसे पहला क्या यहाँ पे देखिए, जैसे सेकंड वाला आई बेड हिम लीव द रूम, इसका पैसिव कैसे बनेगा, ही वॉज बिडन टू लीव द रूम बाई मी, आई बेड हिम है, ठीक है, इसका यहाँ पे हिम है ऑब्जेक्ट पहले शुरू किए ही, अब यहाँ पे बेड क्या है भाई, कौन सा टेंस है ये, सिंपल पास्ट है ना, तो यहाँ पे वॉज का प्रयोग ही वॉज, अब यहाँ पे बिडन टू, इसके साथ आप टू का प्रयोग करेंगे पैसिव में, बिडन टू क्या लीव द रूम, इसके द्वारा बाय, यहाँ आई है ना तो आई का मी हो जाएगा, ठीक है। जैसे दे मस्ट हेल्प मी फिनिश द वर्क, आप पहले इसको यहां तक रखिए, ऐसे समझिए, दे मस्ट हेल्प मी क्या हो जाएगा, आई मस्ट बी हेल्प्ड, अगर इतना ही रहता तो क्या बनता है इसका, मी को पहले करेंगे ना पहले वहां पे, तो मी की जगह पे क्या आ जाएगा, आई 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 मस्ट बी हेल्प, मस्ट बी हेल्पर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फिनिश द वर्क है, तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, आई मस्ट बी हेल्प टू फिनिश द वर्क, इसको आप पैसिव में इस बीड हेल्प और मेक के साथ टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है, एक्टिव में नहीं करेंगे। अगला है, ऊपर भी तो टू का प्रयोग कर रहे थे पैसिव में पहले भी, हाँ मतलब पैसिव, सॉरी पैसिव में कर रहे थे एक्टिव में नहीं कर रहे थे। हाँ एक्टिव में वन टू लिखा। प्लस बी जी टू बी अगला है आई मेड हिम वॉश ऑल द क्लॉथ्स, ठीक है, तो ही वॉज मेड, आई मेड हिम है ना, ही हो जाएगा, इनका ही हो जाएगा, ही अब मेड वॉज मेड टू वॉश, ठीक है, ही वॉज मेड वॉश नहीं होगा, ही वॉज मेड टू वॉश ऑल द क्लॉथ बाई मी, ठीक है, इसमें आपको टू का प्रयोग करना है, बाकी तो आप समझ रहे हैं। आगे है लेट का प्रयोग वाक्य में अलग अलग अर्थ में हो सकता है, लेट का देखिए अलग से, पैसिव वॉइस में उसी अनुसार परिवर्तित होंगे, जैसे लेट मी प्ले मतलब क्या हुआ, मुझे अनुमति मांग रहा है, मुझे खेलने दो खेलना है ना, तो मुझे क्या हो खेलने जाएगा, दो, आई मे बी अलाउड टू प्ले,
आई मे बी अलाउड टू प्ले, अनुमति के सेंस में है अलाउड, ठीक है। जैसे है लेट हिम डू दिस, लेट हिम डू दिस वर्क, उसे यह काम करने दो। लेट हिम डू दिस वर्क, उसे यह काम करने दो, ठीक है। तो लेट, अब यहां पे देखिए लेट रहने देंगे, फिर यहां आएगा दिस वर्क, तो लेट दिस वर्क बी डू का डन, डू डिट डन, तो लेट दिस वर्क बी डन बाय हिम, बाय हिम, हिम है, लेट दिस हिम लास्ट डन बाय हिम। अब लेट हिम डू दिस वर्क, उसे यह काम करने दो, तो उसे क्या है, दिस वर्क बी डन बाय हिम, यह काम उसके द्वारा किया जाए, होने दो या होने दो कहेंगे। लेट अस ऑर्गेनाइज अ पार्टी, ये क्या है वाक्य में सलाह, ऑब्जेक्ट भी है और सलाह दिया जा रहा है। लेट अस ऑर्गेनाइज अ पार्टी, क्या हो जाएगा, अब पार्टी को पहले रखेंगे, अ पार्टी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, सलाह है ना, सलाह में आप जो भी आपका इस तरह से रहे तो शुड का प्रयोग आप कर लेंगे, ठीक है। अगला है लेट अस हेल्प द पुअर, ठीक है, तो नैतिक सलाह है, द पुअर शुड बी हेल्प, इससे पहले भी आप देख चुके हैं, ठीक है, नैतिक सलाह है, इसमें द पुअर शुड बी, द पुअर है तो पुअर को पहले लगाएंगे, शुड बी हेल्प, ठीक है जी भैया, इस तरीके से आपका बनेगा। अब है वर्ब्स फॉलोड बाय एडजेक्टिव, कौन कौन से एडजेक्टिव लगते हैं किसी इस वर्ब में, देखिए रोज स्मेल्स स्वीट, एक्टिव वॉइस है। अब क्या है इसका पैसिव कैसे बनेगा, रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ट, ध्यान रखिएगा। गुलाब क्या है, स्वीट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, मतलब मीठी सुगंध देता है, हाँ मतलब, हाँ कह सकते हैं रोज मतलब गुलाब का सुगंध मीठा है या मीठी सुगंध देता है, तो क्या हो जाएगा रोज इज स्वीट, कब, जब स्मेल किया जाता है, रोज क्या है मीठा है सुगंध उसका, कब, जब सूंघा जाता है या स्मेल किया जाता है, इस तरीके से इसका बनेगा पैसे। इसमें क्या किया, सब्जेक्ट लगाया पहले, रोज का रोज ही रहने दिया, ठीक है। अब क्या किया, वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड नंबर, तो रोज के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इज का प्रयोग किया, फिर उसका एडजेक्टिव का प्रयोग किया, एडजेक्टिव है यहाँ पे स्वीट, तो स्वीट को हम रखने देंगे, विशेषण है ना मीठा खट्टा, ये तो एडजेक्टिव किया, फिर उसके बाद वेन लगाएंगे, और तब क्या है प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू नंबर, अब क्या है इसके हिसाब से रोज के लिए हमने प्रोनाउन का क्या यूज किया, इट का, अब हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब इसके यहाँ इट के साथ लगाएंगे, तो इज लगाया इट के साथ, और वर्ब का थर्ड फॉर्म स्मेल का थर्ड फॉर्म स्मेल, बात समझ में आई। इसी तरीके का और भी देखिए, क्विनाइन टेस्ट बिटर, क्विनाइन का मतलब क्या होता है भाई, क्विनाइन मेडिसिन है, मेडिसिन है, क्विनाइन मेडिसिन है, वो क्विनाइन की तरह होती है, कुनेन की दवा लिख रहा है इसके, कुनेन की दवाई वही जो कि नहीं, अ बीटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड प्रेजेंट इन किंकोना बार्क यूज्ड एज अ टॉनिक एंड फॉर्मली एज एन एंटी मलेरियल ड्रग, मतलब ड्रग के तौर पे मलेरिया का ड्रग है, ठीक है दवा, तो क्विनाइन टेस्ट बीटर, तो क्या हो जाएगा इसका, क्विनाइन इज बीटर व्हेन इट इज टेस्टेड, क्या किया हमने, सब्जेक्ट को पहले रहने दिया, सब्जेक्ट के साथ इज लगाया, फिर उसके बाद एडजेक्टिव लगाया, वेन लगाया, वेन के बाद प्रोनाउन लगाया हमने इट, फिर उसके अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया, यही फॉर्मूला लगाया, ठीक है। अगला है दोज मैंगोज टेस्टेड सावर, क्या हो जाएगा, दोज मैंगोज वर सावर, अब टेस्टेड यहाँ पे है ना, इसलिए हमने वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे, मैंगोज है इसलिए वर्ब का प्रयोग करेंगे, अगर यहाँ टेस्ट रहता तो क्या लगाते, आर लगाते,
अच्छा सॉरी आर मैंगोज के अकॉर्डिंग, तो फेस्टेड है तो वर लगाएंगे, सिंपल पास्ट का था, तो दोज मैंगोज वर साव व्हेन दे वर टेस्टेड, पास्ट का ही है, ठीक है, क्लियर है यहां जी तक? सर। और भी क्वेश्चंस करेंगे ना तो जी इसमें और भी ज्यादा क्लैरिटी जो है वो आपकी आएगी। अच्छा सर अभी यहाँ चैप्टर पे खत्म हो गया भाई क्या भैया प्रैक्टिस सेट आ गया, अब फिर अब मजा आएगा, ये कह रहे थे अब मजा आएगा। हाँ बोलिए, बहुत प्रैक्टिस सेट है यहाँ, इसमें तो बहुत बहुत से नहीं है। कहाँ पे, अब वहां अगर पे यहाँ कैसे पे आएगा, दे है ना, तीस इत तो है मैंगोज नहीं, होता, 30 मैंगोज। अब एक एक मैंगो होता अगर तो हाँ इट इज इट वाज टेस्टेड करते, एक मैंगो हाँ होता, हाँ इट वाज मैंगोज है जी ना हाँ, तो वार लगाया। हाँ तो दे लगाएंगे ना उसके लिए, हाँ दे वर देवर हाँ टेस्टेड, एक से ज्यादा है इसलिए हम लोग जी। वर लगाए, ठीक है। और भैया यहाँ पे अगर ही शी आने लगे तो कहाँ पे ही शी आने लगे, ऋषि नहीं आएगा, नहीं ये आएगा ना इस तरह का मैंगो सेंटेंस, है ना। ये आपको पता चल जाएगा अभी। अब देखिए इसमें कितना है, अच्छा बहुत अच्छा मजा आएगा इसमें, करीब करीब इसमें कितने सवाल हैं, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, वॉइस हमने सीख लिया, अच्छा अब डर खत्म कि वॉइस से क्या आता है कैसे आता है, 197 क्वेश्चन है भाई, मजा आएगा, चलिए शुरू करते बिना देरी के कुछ क्वेश्चन में, फटाफट, ठीक है। चलिए जो लोग YouTube पे देख रहे होंगे पसंद आ रहा होगा वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को क्या करना है जान ही रहे, ठीक है। अब फटाफट बताइए आप जो पढ़े हैं उसके हिसाब से, व्हाट अमेज्ड यू, चारों ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के हिसाब से सिर्फ आपको ABCD बोलना है, चारों ऑप्शन देखिए, व्हाट अम्यूज्ड यू। अब सबसे पहले हम ध्यान देंगे, एक बार बार बता दूं, अम्यूज ये टेंस देखेंगे हम, कौन सा टेंस है भाई, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट ठीक है, पास्ट पास्ट इंडेफिनिट है तो इनडेफिनिट में क्या कभी इंडेफिनिट आर होगा, एक मैं बता देता हूं बाकी फिर आप लोग करिएगा, कभी भी पास्ट इंडेफिनिट में आर होगा नहीं ऐसे बनाते वक्त उसमें वाज या वर होगा, जी तो पहला ऑप्शन हमारा भैया एग्जाम में गलत। कैसे बनाना है वो मैं बताता हूँ, किसी का अप्रोच क्या होना चाहिए आपका वो मैं पहले एक बार बता दे रहा हूँ, मैं करता हूं तो कैसे, पहला ऑप्शन में मैंने आर देखा, अब पहले ऑप्शन की तरफ दिमाग भी नहीं लगाऊंगा, ठीक है, दूसरे ऑप्शन में भी आर देखा, नहीं देखूंगा इसकी तरफ दोबारा, ठीक है, जुवार और देखिए फिर उसके बाद एक में वर है इस पे सोच सकता हूं, चौथे में हैव आ गया इसके तरफ भी बिल्कुल नहीं देखूंगा, बताइए इसका ऑप्शन कौन होगा, तीसरा सी होगा। अब क्या मुझे दिमाग लगाना पड़ा, भैया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब कुछ भी देखना पड़ा, नहीं कुछ भी लगाना पड़ा दिमाग, वही एक जो बंदा होता चैप्टर पढ़ने के बाद पूरा ऑप्शन देखता, इसका सब्जेक्ट यहाँ उसको लास्ट में रखो ऐसे करो, लेकिन स्मार्ट तरीका ये है पढ़ने का और ये बता मतलब टिक लगाने का एग्जाम में, कि मैंने सिर्फ एक चीज वहां पे एक पॉइंट पकड़ा उससे मुझे आंसर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया, तो आपको भी यही करना है, क्योंकि एग्जाम में पता है ना, मान लीजिए मेरी स्पीड अच्छी हो सकती है किसी और की स्पीड अच्छी हो सकती है, आपको टाइम वहां सेकेंड सेकेंड बचाना है, एक क्वेश्चन में अगर 5 सेकंड भी बचाए तो सोचिए वहां पे आपको 200 क्वेश्चन करना है, कितना समय बच जाएगा, ठीक है, तो अब इसका आंसर सीधा हम सी पे टिक कर देंगे, मुझे और कुछ नहीं सोचना पड़ेगा, बोलिए किसी को दिक्कत, ये तरीका समझ गए, तो सबसे पहले आपको क्या जी दिमाग लगाना है, किस टेंस का है, इस टेंस का अगर हम पैसिव बनाते हैं तो इसमें क्या क्या यूज हो सकता है, और चूंकि इस सेंटेंस में ये आ गया तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, काम खत्म, मतलब आपको इलिमिनेशन मेथड लगाना है, सबसे पहले जो ऑप्शन छंट रहा है हम उसको ऐसे ही छांट देंगे, जैसे कुछ और होता है जैसे कि आप मान के चलिए एक पैकेट आया या कुछ ऐसा है जिसके ऊपर प्लास्टिक मतलब पेपर का कवर लगा हुआ है, ठीक है, उसके अंदर मान लीजिए आपको एक नारियल का पैक नारियल दिया गया है ना, और नारियल को किस में पैक किया गया है, कागज वाले बॉक्स में, अब आप सबसे पहले आपको वो दिया गया तो आप क्या करेंगे, शुरुआत से ही एकदम चाकू वाकू लेके ये क्या कहते हैं कुल्हाड़ी लेके तैयार होंगे, नहीं ना, सबसे पहले कागज है तो भाई हाथ से फाड़ेंगे उसको, फिर मुझे नारियल मिला तो हम कुल्हाड़ी से प्रहार करेंगे, तो वैसे यानी जितना हट सकता है पहले ऑप्शन में से आराम से उसको पहले आराम से हटा लीजिए, फिर जो बचे तब दिमाग लगाइए, यहाँ तो इकलौता अकेला बेचारा बच गया, छिपने का इसको मिला ही नहीं कुछ,
सीधा पकड़ा गया ये, ठीक है। अगला सवाल, स्मोक एंड फ्लेम्स इनगल्फ द एरिया, इनगल्फ वाले से याद आना चाहिए आपको वो रूल, इनगल्फ के साथ क्या लगता है? इनटू इन 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 स्मोक एंड फ्लेम्स इनगल्फ द एरिया एंड डॉल्फिन इन, हाँ मेड रेस्क्यू ऑपरेशंस डिफिकल्ट। अब आप इसमें आइए, अब यहां पे टेंस पहले पकड़िए, टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। और इसमें जब इसका जब पास में बनेगा तो क्या क्या यूज हो सकता है हेल्पिंग वर्ब? तो बाकी को आप छोड़ दीजिए, पहले वाले पे हम दिमाग लगाएंगे, दूसरे को भी रखते हैं, तीसरे को नहीं रख सकते हैं क्योंकि हैज बीन लग गया, चौथे को भी रख सकते हैं, तो यानी एक ऑप्शन तो हमारा हट गया भाई आसानी से, हमें सी की तरफ नहीं देखना है। अब बाकी तीन पे दिमाग लगाइए, पहला आंसर डी। अब देखिए जो जो सेम है ना, अब एक चीज और है, जहां तक आपको सेम पार्ट मिले ऑप्शन में वहां तक सबको एक साथ देखिए, उसके बाद जो अंतर हो उस पर दिमाग लगाइए। जैसे अब मैं कैसे देखूंगा, द एरिया वॉज इनगल्फ्ड इन स्मोक एंड फ्लेम्स, ठीक है, यहां तक मुझे तीनों ऑप्शन में सेम नजर आ रहा है, यहां भी द एरिया वॉज इनगल्फ्ड इन स्मोक एंड फ्लेम्स, यहां भी ठीक है, और द एरिया वॉज इनगल्फ्ड इन स्मोक एंड फ्लेम्स, तीनों में सही है। अब देखिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एंड मेक रेस्क्यू ऑपरेशन डिफिकल्ट है, एंड फ्लेम मेकिंग, अब मेकिंग तो आएगा नहीं, नहीं क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अब आएगा तो उसमें बींग होना चाहिए था, बींग होना चाहिए, नहीं होगा तो हमारा बी भी हट गया। अब देखिए कैसे आराम से हट रहा है, तो बी और सी की तरफ अब देखना नहीं है, ए और डी में, अब डी वाले में क्या है एंड के बाद, एंड फ्लेम्स एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस वर मेड डिफिकल्ट। अब इस दोनों में दिमाग लगाइए, स्मोक एंड फ्लेम्स इनगल्फ द एरिया, स्मोक और फ्लेम ने क्या किया, एरिया को अपने अंदर मतलब समा लिया या उसको आच्छादित कर दिया कह सकते हैं, समेट लिया अपने अंदर। पहले इसको आप चेंज करिए, स्मोक एंड फ्लेम्स इनगल्फ द एरिया, द एरिया वाज इनगल्फ इन स्मोक एंड फ्लेम्स, ठीक है, इसका भी सेम ठीक आ रहा है और इसका भी ठीक आ रहा है, एंड मेड रेस्क्यू ऑपरेशन डिफिकल्ट, यानी जो रेस्क्यू ऑपरेशन बचाव का जो काम चल रहा था, राहत कार्य को और मुश्किल भरा बना दिया, तो क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे देखिए एंड मेक हो गया, यहाँ मेक है, मेक गलत होगा।